Yesterday we have done topic revolt of 1905 causes and impact and how first world war created hatred for Tsar. यही क्या था ना first world war से Tsar के लिए क्यों hatred spread हुई थी या why Tsar became unpopular after the first world war. First world war के बाद या during the first world war वो क्यों unpopular होता जा रहा था या फिर why Tsarist autocracy collapsed. ये भी क्वेश्चन की फॉर्म है. Why Tsarist autocracy collapsed? ठीक है, तो ये भी सेम आंसर है कि Tsar का रूल क्यों अनपॉपुलर हो गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. तो इसके बाद आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद टॉपिक आता है रिवोल्ट ऑफ 1917 फेब. रिवोल्ट ऑफ 1917 फेब. And you know the causes of the revolt. Some causes are common. For example, you have done in 1905. 1905 में आपने कुछ causes किए थे. For example, poor condition of the workers. You can write same. और फिर आप बता सकते हो next is socialism. ये भी आप लिख सकते हो. Next autocratic rule. Three points are common. एंड देन फोर्थ पॉइंट आप रूसो जापानीज वार नहीं लिखोगे, उसकी जगह आप लिख दोगे फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार लिखने के बाद आप लिखोगे इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज में आप बता दोगे देयर वाज स्ट्राइक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन वुमेन वर्कर वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब एंड देयर वर स्ट्राइक्स इन 50 फैक्ट्रीज इन द फेवर ऑफ दैट वुमेन वर्कर. एंड फिर आप बताओगे कि जो वर्कर्स थे केम आउट ऑफ देयर एरियाज टू द एरियाज ऑफ द रिच पीपल. दे क्रॉस विच रिवर? दे क्रॉस नेवा रिवर एंड अटैक्ड द हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स. उन्होंने ऑफिशियल्स के घरों पे अटैक किए. ज़ार ने अब फिर क्या किया? ज़ार सेंड आर्मी. ज़ार ने आर्मी भेजी. किसके लिए भेजी थी ज़ार ने आर्मी? टू अटैक ऑन. फिर उसने भेजी टू अटैक ऑन वर्कर्स. हर बार देखो उसने अटैक ऑन वर्कर्स ऐसे ही किया, बट दिस टाइम वर्कर्स जो कुछ सोल्जर्स थे दे जॉइंड देयर हैंड्स विद स्ट्राइकिंग वर्कर्स. दिस टाइम सम सोल्जर्स जॉइंड देयर हैंड्स विद स्ट्राइकिंग वर्कर्स. उन्होंने वर्कर्स के साथ हैंड ज्वाइन कर लिए. तो इस वजह से अब फिर आप बताओगे कि स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड सोल्जर्स who joined them, they went to see Tsar at Petrograd Soviet where Duma met. वहां पे Tsar को मिलने गए, advised him to give up his throne. Tsar gave up his throne. So in this way, his rule came to an end. And first provincial government was set up in Russia that was under Kerensky. अब Kerensky का rule आ गया. Tsar ने अपनी अपना थ्रोन छोड़ दिया. यहाँ पे थ्रोन के स्पेलिंग टी एच आर ओ, तो आपको ध्यान से लिखनी है, थ्रोन कहीं दूसरा ना लिख देना. तो Tsar gave up his throne and with this his rule came to an end. उसका इस आप ये भी कह सकते हो विद दिस Tsarist autocracy collapsed. आप यहां तक लेके आओगे Tsarist autocracy collapsed. तो उसका रूल खत्म हो गया. Tsar का रूल केम टू एन एंड. तो नेक्स्ट आप बताओगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोविंशियल गवर्नमेंट. आपको यही टॉपिक आ जाए, आपको रिवोल्ट वाला आए ना, तो आपने कहना फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेट अप आफ्टर द एंड ऑफ द Tsar's रूल. Tsar के रूल के बाद कौन सी गवर्नमेंट सेटअप हुई? प्रोविंशियल. इट वॉज सेटअप अंडर Kerensky, Leon, sorry, it was set up under Kerensky. Kerensky जो था ना, he was the member of leader of Mensheviks in those days. रशिया में दो तरह के लोग थे, Bolsheviks and. तो उन दिनों Kerensky जो था, he was leader of Mensheviks. तो Kerensky was the supporter of Tsar. Kerensky का रूल आते ही अनपॉपुलर हो गया, because उसने क्या क्या नहीं किया और क्या किया ये भी बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिडंट टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार को क्विट करना चाहते थे. Kerensky डिड नथिंग फॉर द पीपल, ही डिडंट टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट. और क्या किया उसने?
He didn't give rights to non-Russians. Non-Russian वहाँ पे बुद्धिस्ट थे, जदीदीस थे, उनको उसने rights नहीं दिए. Muslims, बुद्धिस्ट थे. He didn't give rights to non-Russians. For them, Russia became prison of nation. These people were not allowed to follow their culture and speak their language. So that's why Kerensky's government became unpopular in its beginning. तो फिर अब क्रेंस्की का रूल अपने आप तो खत्म हुआ नहीं. What happened there? कौन सा रिवोल्ट हो गया? किस किस में क्लैशेस हुए? क्योंकि क्रेंस्की का रूल अब खत्म होना है तो किस में क्लैशेस हुएंगे? Very good. Mensheviks and Bolsheviks. Mensheviks and Bolsheviks में क्लैशेस हुए. अब उन दिनों जब क्रेंस्की पावर में आया तो वेयर वॉज लेनिन? लेनिन किधर था? लेनिन वॉज एक्साइल टू स्विट्जरलैंड. In those days he was exiled to Switzerland. जब क्रेंस्की का रूल आया ना फेब में तो लेनिन को देश निकाला मिला हुआ था, उसको बाहर निकाला हुआ था. He was in Switzerland. He came to Russia in April month. तो वो अप्रैल में रशिया में वापस आता है. And he issued Lenin thesis. Who was Lenin? Leader of Bolsheviks. क्रेंस्की किसका लीडर था? Mensheviks. And Lenin was leader of Bolsheviks. लेनिन ने आते ही क्या इशू किया? लेनिन थीसिस केम टू बी नोन एज अप्रैल थीसिस या फिर लेनिन थीसिस. तीन नंबर का पेपर में सेपरेट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट डू नो अबाउट अप्रैल थीसिस, हु इशूड, फिर आपको लेनिन लिखना है, हु इशूड. अगर अप्रैल वर्ड आएगा तो आपको खुद बताना है कि लेनिन ने इशू किए. अगर लिखना ही उन्होंने फिर ऐसे दे सकते हैं कि व्हाट डू नो अबाउट लेनिन थीसिस एंड इन विच मंथ ही इशूड. दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, किस कौन से मंथ में किए थे? अप्रैल मंथ. अब उन थीसिस में उसने क्या क्या किया? He made promises, three promises with the people of Russia. वो कौन से promises थे कि लेनिन जो था वो पॉपुलर ही हो गया पूरा रशिया में? ऐसा क्या किया उसने? सबसे पहले लोग कहाँ किसको क्विट करना चाहते थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो लेनिन ने फर्स्ट प्रॉमिस क्या किया? दैट इफ ही वुड कम इन पावर, उसने कहा कि अगर मैं अभी, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर अभी एट प्रेजेंट, तो वो यही प्रोमिसेस कर रहे हैं कि अगर वो पावर में आए तो वो ये वाले काम करेंगे. अभी आपको सुनने को मिल रहा होगा कि कैसे कैसे प्रोमिसेस किए जा रहे हैं. तो सेम लेनिन ने भी वैसा ही किया. ही सेड दैट इफ ही वुड कम इन पावर ही वुड टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसने सबसे पहले वही काम किया कि जो लोग चाहते थे. उसने कहा कि मैं सबसे पहले रशिया को किससे बाहर निकालूंगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Then he said that he would nationalize the banks and he redistribute land among the poor. उसने कहा land जो है ना वो poor में बांट दूंगा, क्योंकि रशिया में जो poor people थे, poor peasants थे, वो अपने rich landlords जो होते थे उनका murder तक करते होते थे, क्योंकि वो चाहते थे land was redistributed among poor people. वो कहते थे poor में land बांट दो, ये landlords जो हैं इनके पास इतने बड़े बड़े farm estate lands हैं, तो इनकी लैंड लेके पुअर पीपल में बांट दी जाए. वो लोग ऐसा चाहते थे. तो ये सब प्रोमिसेस लेनिन ने किए. ही सेड दैट ही वुड टू क्रश आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और साथ में और क्या कहा? ही वुड नेशनलाइज द बैंक एंड ही वुड रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड अमंग द पुअर. तो हिज प्रोमिसेस वर लाइक्ड बाय द पीपल. पीपल बिकेम हिज फॉलोअर्स एंड दे टर्नड अगेंस्ट क्रेंस्की. तो पॉपुलैरिटी ऑफ लेनिन बिकेम द मेन रीजन ऑफ द अनपॉपुलैरिटी ऑफ क्रेंस्की. So Kerensky's government failed. अभी तो वो फेल हुई है, अभी वो गया नहीं पावर से. तो देयर वर क्लैशेस बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स. तो दोनों में क्लैशेस हुए. अब आप बताओगे कि बोल्शेविक्स ने एक पार्टी बनाई थी, नेम दैट पार्टी. रेवोल्यूशनरी पार्टी. विच पार्टी वॉज फॉर्म बाय बोल्शेविक्स एंड लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी पार्टी इन रशिया वॉज लियोन ट्रॉटस्की. लियोन ट्रॉटस्की वॉज द लीडर ऑफ विच पार्टी? रेवोल्यूशनरी पार्टी. अब रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी, उधर से बोल्शेविक्स ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे अटैक किए एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बोल्शेविक्स की टू न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिए. तो दोनों ने एक दूसरे पे अटैक किए एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट भी करना शुरू किया, बोल्शेविक्स लीडर्स को, क्योंकि पावर में कौन थे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अभी क्रेंस्की पावर में, अभी वो गया नहीं, अनपॉपुलर हो रहा है. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अटैक द टू न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स ऑफ बोल्शेविक्स.
लियोन ट्रॉटस्की ने कहा कि ही वुड अटैक द विंटर पैलेस बट डेट वॉज केप्ट सीक्रेट. इट मीन्स उनको डरा दिया ना कि अटैक तो करना है बट डेट नहीं डिक्लेयर करनी कब, बेटर हो उसकी प्रोटेक्शन करने में. तो ही सेड दैट ही वुड अटैक विंटर पैलेस बट ही डिडंट डिक्लेयर द डेट. तो इन्होंने किया भी, अटैक भी किया था विंटर पैलेस में एंड डिस्ट्रॉयड इट. तो इस वजह से इनके क्लैशेस बढ़ते चले गए. देयर वाज वायलेंस, वायलेंस हो गई एंड दिस वायलेंस वाज. अब ये सारी सेटलमेंट पीस किसने मेंटेन की, सारी सिचुएशन को हैंडल किसने किया, लेनिन. तो लेनिन कंट्रोल्ड ऑल द सिचुएशन एंड लेनिन बिकेम द लीडर ऑफ रशिया. अब लेनिन पावर में आ गया एंड क्रांस्की जो था उसकी रूल केम टू एन एंड. प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रूल खत्म एंड बोल्शेविक्स केम टू पावर. अब बोल्शेविक्स पावर में आ गए. तो अब अपने आप बताओ, लेनिन पावर में आके क्या उसने अपने प्रोमिसेस पूरे किए? यस, ही फुलफिल्ड ऑल हिज प्रोमिसेस. लेनिन ने बहुत सुधार किए. सबसे पहले तो आप बताओगे आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है. यहाँ तो आता होता है अक्टूबर चेंजेस. पेपर में क्वेश्चन लिखते होते हैं राइट अक्टूबर चेंजेस. चेंजेस से समझ आना के लेनिन के रिफॉर्म्स. या फिर कहते होते हैं राइट द इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1917 अक्टूबर. अक्टूबर के रिवोल्ट के इम्पैक्ट्स बताओ. इट मीन्स चेंजेस, ठीक है ना. कोई भी, या फिर राइट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बोल्शेविक्स या राइट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लेनिन. किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है. रिफॉर्म्स की फॉर्म में आ सकता है, चेंजेस की फॉर्म में आ सकता है. एंड राइट द इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 अक्टूबर. तो जहां पे अक्टूबर आएगा आपको अक्टूबर चेंजेस ही लिखने हैं. अब इसमें क्या क्या चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट थ्री पॉइंट्स जो उसके प्रोमिसेस थे. लेनिन टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट, ही नेशनलाइज्ड द, ही रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड अमंग, लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट दैट वॉज बोल्शेविक पार्टी. He declared all the parties illegal. उसने सारी parties क्या declare कर दी? And Russia क्या बनके रह गया? One party state that was Bolshevik party. तो इस वजह से आप बताओगे Lenin के changes जो जो उसने introduce किए थे reforms, तो ये reforms जो थे they were not आप कहोगे कि tolerated by, ये reforms किसको अच्छे नहीं लगे होंगे बताओ? मेंशेविक्स को. अब दोनों में, बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स में क्या हो गई? सिविल वार. दोनों में सिविल वार हुई थी. और सिविल वार क्यों हुई? बिकॉज जो नॉन बोल्शेविक्स थे उनकी लैंड किस में बट चुकी थी? पुअर में. एंड दैट वाज नॉट टॉलरेटेड बाय देम, क्योंकि उनकी लैंड बट चुकी थी पुअर लोगों में. तो दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय देम, दैट्स वाई दे प्रोटेस्टेड. दोनों में क्लैशेज हुए तो सिविल वार. व्हाट डू मीन बाय सिविल वार? When there is war between the people of the different social groups of the same country, when there is war between the people of different social groups of the same country के लोगों में, जब different social groups के लोग जो country में होते हैं उनमें आपस में झगड़ा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? Civil war. क्योंकि दोनों ही Bolsheviks Mensheviks कहाँ के थे? रशिया के ही थे, कोई outsider नहीं थे. तो दोनों में झगड़ा हुआ, इट मीन्स ये सिविल वार है. तो सिविल वार हुई, उस सिविल वार में सबसे पहले तो बोल्शेविक्स की हेल्प किसने की? हु हेल्प बोल्शेविक्स? नॉन रशियंस ने. नॉन रशियंस हेल्प बोल्शेविक्स. एंड नॉन बोल्शेविक्स की हेल्प किसने की? कंट्रीज. कौन सी कंट्रीज ने? फ्रांस, यूएसए. क्यों उन्होंने हेल्प की? वेरी गुड. क्योंकि वो सोशलिज्म की फेवर में नहीं थे. वो लोग नहीं चाहते थे कि जो रशिया में सोशलिज्म आया उनकी कंट्रीज में भी आए. दैट्स व्हाई दे हेल्प्ड नॉन बोल्शेविक्स. उन्होंने नॉन बोल्शेविक्स की हेल्प की. फिर आप बताओ कि फिर इस वार को, इसमें कौन जीते? बोल्शेविक्स. सिविल वार में किसको, हु वॉन दिस सिविल वार? बोल्शेविक्स. तो इस वजह से बोल्शेविक्स. फिर आप बताओ कि लेनिन की डेथ हुई, तो लेनिन की डेथ के बाद हु केम टू पावर? स्टालिन. स्टालिन केम टू पावर. स्टालिन ने आके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज नोन एज स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन. स्टालिनिज्म और, अगर तो पेपर में हु स्टार्टेड स्टालिनिज्म तो आपको एक मिनट में पता चल जाएगा स्टालिन. अगर आपको हु स्टार्टेड कलेक्टिवाइजेशन तो आप थोड़ा सा सोचोगे कि ये स्टालिन है.
तो कौन था स्टालिन, ये भी पूछा जा सकता है। आफ्टर डेथ ऑफ बोल्शेविक हु केम टू पावर, सॉरी आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन हु केम टू पावर, स्टालिन। स्टालिन बिकेम द लीडर एंड स्टालिन इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिवाइजेशन। क्या ये सक्सेसफुल हुआ था? नहीं, ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि इसने क्या किया, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया और किसकी पावर ही इंट्रोड्यूस कलेक्टिवाइजेशन में, उसने क्या किया, कोल को इंट्रोड्यूस किया, कुलक्स रिमूव किए। अब कुलक्स पूछ लेते होते हैं, व्हाट डू मीन बाय कुलक्स, वेरी गुड, वेरी रिच पीजेंट्स उनको कहते थे कुलक्स। एंड कोलखोज क्या थे, कलेक्टिव फील्ड वेयर पीपल वर्क कलेक्टिवली एंड श्योर दैट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम। तो ऐसे होता था, कोलखोज इंट्रोड्यूस कर दिए एंड कुलक्स रिमूव कर दिए। तो दिस वॉज ऑल्सो नॉट टॉलरेटेड बाय रिच पीपल, रिच पीजेंट से टॉलरेट होना था क्योंकि उनकी तो पावर्स ही छीन ली इसने। और साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू देयर नीड, आप कह सकते हो कोल खोज इंट्रोड्यूस कर दिए। तो इस सिस्टम में कोई ये सिस्टम सेटअप नहीं हुआ रशिया में, इससे सक्सेस नहीं मिली। दिस सिस्टम वाज टोटली फेल्ड इन रशिया बिकॉज देयर वाज नो प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल फील्ड। एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी इस सिस्टम के आने से। तो वैसे भी स्टालिन लोगों को फोर्स करता होता था टू फॉलो कलेक्टिवाइजेशन, जैसे वो रोबस्पियर नहीं फॉलो करता था, सेम एज स्टालिन आल्सो फोर्स पीपल टू फॉलो कलेक्टिवाइजेशन, बट ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो एक तो ये, फिर आपने बताना है इसके साथ, तो ये लेसन वैसे खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन द ऑन रशिया एंड ऑन वर्ल्ड, ये बार बार पेपर में घुस जाते हैं। ऑन रशिया है तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रशिया, रशियन रेवोल्यूशन का रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहले तो ऑटोक्रेटिक रूल खत्म हुआ, सोशलिज्म आ गया, रशिया बिकेम द फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री और कम्युनिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, क्योंकि वन पार्टी स्टेट नहीं बना था बोल्शेविक पार्टी, तो वन पार्टी स्टेट कौन सी होती है, कम्युनिस्ट कंट्री। रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम कम्युनिस्ट, रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट, ठीक है, दोनों ही आप कह सकते हो, कम्युनिस्ट कंट्री भी बनी, सोशलिस्ट कंट्री भी बनी। और ऑटोक्रेटिक रूल खत्म हुआ, सिंपल पॉइंट्स बनाओ, और वर्कर्स की कंडीशन क्या हुई, इम्प्रूव। रशिया अर्लियर, रशिया वाज बैकवर्ड कंट्री अंडर जार, बट अंडर लेनिन इट मेड ग्रेट, अंडर लेनिन एंड स्टालिन इट मेड ग्रेट प्रोग्रेस, और रशिया बिकेम सुपर पावर, सुपर पावर भी बनी। कहां वो एक, उसके पास तो वेपन्स भी नहीं थे, वो तो जापान से भी हार रहा था, तो अब वो सुपर पावर बन चुका था। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, न्यू स्कूलिंग सिस्टम आया, क्योंकि वर्कर्स के जो वुमेन वर्कर्स थी ना, उनके बच्चों के लिए क्रचेस सेटअप हुई थी, एंड रिच पुअर पीजेंट्स के बच्चे अब हायर यूनिवर्सिटीज में जाते थे फॉर फर्दर एजुकेशन, ठीक है। तो इस वजह से आप बताओगे स्कूलिंग सिस्टम आया और ऑटोक्रेटिक रूल का एंड हुआ, सोशलिस्ट कंट्री बना रशिया, कम्युनिस्ट कंट्री बना रशिया, वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव हुई, डेवलपमेंट हुई, सुपर पावर बना। कहाँ वो बैकवर्ड से, उस रशिया में बहुत सी प्रोग्रेस हुई, फर्स्टली अंडर लेनिन देन अंडर स्टालिन। लैंड किसकी प्रॉपर्टी बन चुकी थी, स्टेट गवर्नमेंट की। तो इस वे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और इंपैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया। अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो सबसे पहले तो पूरे वर्ल्ड में वॉर्स कह लो कि झगड़े, क्लैशेस स्टार्ट हो चुके थे, किस किस में, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो, क्लैशेस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, क्योंकि कंट्रीज नहीं चाहती थी दूसरे, अदर कंट्रीज देवर नॉट इन द फेवर ऑफ सोशलिज्म, वो नहीं चाहती थी कि सोशलिज्म आए। तो पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट में झगड़े हो रहे थे, और स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइन, क्योंकि लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं था, अब वो इकोनॉमिक इक्वालिटी मांगते थे। रशिया के लोग चाहते थे हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले, वो कहते थे हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी मींस हमें राइट टू वर्क मिले। उन वहां पे रशिया क्योंकि बैकवर्ड कंट्री रही है ना, तो आप बताओगे आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, डेमोक्रेसी का आइडिया रीडिफाइन हुआ कि पॉलिटिकल राइट से लोगों को कुछ लेना देना नहीं था, नो दे वांटेड इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, वो चाहते थे हमें इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स मिले। रिच एंड पुअर में गैप खत्म हो, क्योंकि रशिया ऑटोक्रेटिक रूल था रशिया में, वो चाहते थे कि हमें इक्वल राइट्स मिले,
सोशलिज्म पता है ना, नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड इन रशिया, और इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड पूछ रही हूँ मैं। हाँ, कम्युनिस्ट कंट्री एंड रशिया भी वाज अ फर्स्ट कंट्री, ये इसमें भी लिख सकते हो दैट बिकेम कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कंट्री बन बस, बिकॉज रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट एंड रशिया वाज अ फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम कम्युनिस्ट कंट्री। तो इस वजह से आप रशियन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ रशियन, बट इसमें ये ना लिखना ऑटोक्रेटिक रूल केम टू एन एंड, क्योंकि आप कर रहे हो वर्ल्ड, वर्ल्ड में ये बात नहीं आएगी, ये वर्ल्ड में नहीं लिख देना कहीं ऑटोक्रेटिक, वो सिर्फ इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया में लिखना है। समझ आ रही है ना, ये डिफरेंस पता चल रहा है ना, क्योंकि आप ये तो कह ही नहीं सकते ऑटोक्रेटिक रूल केम टू एन एंड, वर्ल्ड में थोड़ा खत्म हुआ था, वो तो रशिया में खत्म हुआ था, रशिया बिकेम सुपर पावर, चलो वर्ल्ड में लिख सकते हो, ठीक है, ये नहीं फिर लिख सकते कि रशिया मेड ग्रेट अंडर ज़ार, इट वाज बैकवर्ड कंट्री, फिर ये वर्ल्ड का तो नहीं ना बनेगा, ये रशिया का ही बनेगा। तो इस वजह से जब लिखोगे तो ये ध्यान में रखना, सोशलिस्ट लिख सकते हो, कम्युनिस्ट लिख सकते हो, कैपिटलिस्ट एंड उसमें झगड़े लिख सकते हो, न्यू स्कूलिंग सिस्टम नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो रशिया का है, और हाँ ये लिख सकते हो उसमें, ये लिख सकते हो कि अर्लियर इट वॉज बैकवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, नाउ इट बिकेम सुपर पावर, लिख सकते हो, वर्ल्ड में बना है ना वो। और इसी इन्हीं पॉइंट्स को आप इलेबोरेट, आप सिंपल पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको अगर आ जाए पेपर में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू नो अबाउट रशियन सोसाइटी, अब बताओ, अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए, रशिया ये इतनी सी कंट्री है, ठीक है, ये ऑनलाइन बच्चे भी रशियन कंट्री में बैठे हुए हैं, अब आप इसको बनाओ कि आप सोसाइटी में कन्वर्ट करो, चलो कैसे कैसे लोग थे, सोसाइटी मींस लोग कौन थे वहां पे, नहीं आप बताओगे, पहले तो वहां पे बहुत रिच पीजेंट्स थे, देयर वर वेरी रिच, पहले तो कितने परसेंट वहां पे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, 85% पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन, पहले तो ये पता होना चाहिए सोसाइटी, तभी बताओगे ना, सोसाइटी मीन्स लोगों के बारे में बताओ। अब आप बताओ सबसे पहले तो वहां पे कौन बहुत रिच पीजेंट्स थे, वेरी रिच पीजेंट्स वर देयर, जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्मलैंड्स थे, हु ओन्ड लार्ज एस्टेट, पहले तो ये बताओ, दे वर वेरी रिच एंड कंसल्टेड बाय ज़ार इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये खुद बना दो पॉइंट्स, फिर बोलो सेकंड नंबर पे कौन थे, मिडिल क्लास पीजेंट्स थे, ये मिडिल क्लास हो गए, वो वेरी रिच, ये मिडिल क्लास, ये लैंडलेस पुअर, ठीक, वो वर्कर्स, ठीक है, पीछे वाले सारे वर्कर्स और ये बीच में वुमेन वर्कर, ठीक। तो ऐसी थी रशियन सोसाइटी, इज इट क्लियर, क्लास में ही बन गए, वेरी रिच, मिडल, पुअर, वर्कर्स, वुमेन वर्कर, वुमेन वर्कर। अब इस वे से अब इसको एक्सप्लेन करो कि पुअर पीजेंट्स जो थे वो हमेशा किसके अगेंस्ट रहे हैं, वेरी रिच पीजेंट्स के, पुअर पीजेंट्स जो लैंडलेस थे, दे वांटेड दैट लैंड ऑफ रिच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, सम टाइम्स दे मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, सम टाइम्स दे मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स। अगर मैं बोलूं इसको फ्रांस से कंपेयर करो, फ्रांस की सोसाइटी ऐसी नहीं थी, फ्रांस में पुअर पीजेंट्स नेवर मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, ये भी पूछ लेते होते, कंपेयर द रशियन सोसाइटी विद फ्रेंच सोसाइटी, आप फ्रांस पढ़ चुके हो ना, तो आप कंपेयर करो, आपने फ्रांस में कहीं पे पढ़ा कि पुअर पीजेंट्स रिच का मर्डर कर रहे हैं, नो, इन फ्रांस पुअर पीजेंट नेवर मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, दे नेवर डिमांडेड लैंड फ्रॉम, वहां पे उन्होंने लैंड मांगी, नो, उन्होंने कोई लैंड नहीं मांगी फ्रांस में, वो तो जर्मनी का हम कहेंगे, जर्मनी का कहेंगे फ्रांस में। हाँ आप ये कह सकते हो कि फ्रांस के जो सोसाइटी पीजेंट्स है ना, पुअर पीजेंट्स, Sometimes they helped their landlords. कई बार वो अपने landlords की help करते थे. Whereas in Russia, तो they hated their landlords. वो तो नफरत करते थे उनसे. In France, they helped their landlords. क्योंकि आप यहाँ पे Brittany के revolt की example दे सकते हो. It's not given in the book. आप अपने आप याद रखो. During the revolt of Brittany, poor peasants of France helped their landlords. उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स की हेल्प की थी, ठीक है, तो रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये आपको अगर कंपेयर में पूछे तो आपने इस वे से बताना है। फिर आपने बताना है कि फ्रांस में वुमेन जो थी वो फैक्ट्रीज में, सॉरी, रशिया में वुमेन वर्कड इन फैक्ट्रीज, वेयर एज इन फ्रांस वुमेन फैक्ट्रीज में वर्क नहीं करती थी, दे रन देयर स्मॉल बिजनेस,
ठीक है, उनके छोटे छोटे बिजनेस थे, वुमेन के छोटे छोटे बिजनेस उन्होंने सेटअप किए हुए थे इन फ्रांस. वेयर एज इन रशिया वुमेन वर्कड इन फैक्ट्रीज, 31% वुमेन वर्कड इन फैक्ट्रीज इन रशिया. तो कंडीशन ऑफ वुमेन वर्कर्स वॉज नॉट गुड बिकॉज देयर वर नो क्रेचेस फॉर देयर चिल्ड्रन, दे हैड टू कैरी देयर किड्स विद देम टू द फैक्ट्रीज इन पुअर एटमोस्फियर. अपने बच्चों को साथ लेके जाती थी उस पुअर एटमोस्फियर में, उनके बच्चों के लिए क्रेचेस नहीं थी. तो फ्रांस में वुमेन जो थी वो अपने बिजनेस चलाती थी, फ्लोरिस्ट थी वुमेन फ्रांस में. तो इस वजह से आप कंपेयर कर सकते हो रशियन सोसाइटी एंड फ्रेंच सोसाइटी. रशिया में पुअर पीजेंट्स कभी भी अपने रिच पीजेंट्स का मर्डर उल्टा उनकी हेल्प करते थे. एग्जाम्पल ब्रिटनी रिवोल्ट, वेयर एज इन रशिया दे मर्डर्ड देयर, दे वांटेड दैट लैंड ऑफ रिच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल. तो इस वजह से आप रशिया का चैप्टर, अब मैंने वैसे पूरा बोल दिया, इज देयर इज एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ऑनलाइन?